27 जनवरी 1948 को पत्रकार विंसेंट सिंह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिले, तब उन्होंने कहा, आज मेरी मौत ही मानवता की सेवा के लिए जरूरी है। और इस बात के 3 दिन पश्चात 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी नाथुराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या कर दी। हे राम शब्द का उच्चारण करते हुए महात्मा गांधी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका विचार आज भी हमारे मध्य में है। यह महात्मा गांधी को मारने की 11वीं कोशिश थी जो सफल रही। इसके ही पहले मात्र 10 दिन पहले 20 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन में ऐसी घटना हुई, बम विस्फोट हुए, गांधी जी बच गए। मदन लाल पाहुआ नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, इसमें भी नाथुराम गोडसे सम्मिलित था, जो उनकी हत्या का 10वां प्रयास था। इसके पहले समूचे गांधी जीवन में अनेक बार महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास किया गया। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में रहते हुए एक पुस्तक लिखी जिसे हरि पुस्तक कहा जाता है, जिसमें अफ्रीका के भारतीयों के बारे में वर्णन था, कुलियों के बारे में वर्णन था, जिसकी रिपोर्ट राइटर नाम की प्रसिद्ध पत्रिका में छपी, जिससे गोरे नाराज हो गए। जब महात्मा गांधी अफ्रीका पहुंचे तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट की पत्नी ने उन्हें बचाया। यह उनके जीवन की पहली घटना थी जिनमें उन्हें मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी की महानता यह थी कि उन्होंने हमलावरों को माफ़ कर दिया, उनके ऊपर मुकदमा भी नहीं किया और माफ़ कर दिया। दूसरा हमला अफ्रीका में ही हुआ, जब प्रत्येक व्यक्ति का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया था, तब एक आंदोलन चला। महात्मा गांधी ने सद्भावनावश विश्वास करते हुए जनरल स्मिटस की बात पे विश्वास कर लिया और उन्होंने लोगों से अपील की कि पंजीकरण करवाएं। मीर आलम नाम का एक पठान इसके विरोध में था, उसने गांधी जी पे हमला कर दिया, जानलेवा हमला था, फिर भी गांधी जी ने उसे माफ़ कर दिया। यह उनके जीवन पर दूसरा बड़ा हमला था। उसी समय में अफ्रीका में एक व्यक्ति छुरा लेकर के गांधी जी को मारने के लिए आया, गांधी जी को पता लग गया, उन्होंने उससे बात करी, वो व्यक्ति समझ गया। यह उनके पर तीसरा हमला था। 1913 में ही एक आंदोलन चल रहा था, उसमें भी एक व्यक्ति उन्हें मारने के लिए आया था, उसमें मीर आलम जो पहले उनकी हत्या करना चाहता था वो उनका अंगरक्षक बना और उसने कहा, अगर भाई अगर गांधी भाई पर कोई हमला करेगा तो उसे मेरे खंजर का सामना करना पड़ेगा। यह उनके ऊपर हत्या का अगला प्रयास था। 1934 में गांधी जी एक समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे, उनकी गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया, संयोगवश गांधी जी दूसरी गाड़ी में बैठे थे, पहली गाड़ी में कुछ पुलिस वाले बैठे थे, जिनमें से 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। यह महात्मा गांधी पर 5वां बड़ा हमला था।
1944 में महात्मा गांधी मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना से बातचीत करने के लिए सेवाग्राम से पुणे के लिए निकले थे। रास्ते में नाथुराम गोडसे और उनके साथियों ने उनको आश्रम में ही रोक दिया, उनका घेराव किया। पुलिस ने गलथूते नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके पास से 7.5 इंच का छुरा बरामद हुआ। ये लोग ये चाहते थे कि गांधी जी जिन्ना से न मिले। 1944 में फिर गांधी जी पे हमला किया गया। पुणे के निकट पंचगनी में वे बीमार थे, आराम कर रहे थे, तब एक युवक ने उन पर हमला किया, जिसे भिसारे गुरु जी ने पकड़ लिया। 8वां हमला गांधी जी पर नोआखली में हुआ। एक कट्टरपंथी ने गांधी जी का गला दबा दिया, बहुत जोर से दबाया। गांधी जी का चेहरा नीला पड़ गया। बड़ी मुश्किल से बचे। गांधी जी ने उसे भी माफ कर दिया। इसी तरह से 9वां हमला 1946 में 30 जून को हुआ, जब मुंबई से पुणे रेल से जा रहे थे। रेल की पटरियों पर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए गए। रेल पलट गई। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी बच गए। यह गांधी जी के ऊपर 9वां हमला था।